बड़ी बहन सारी लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, अभी भी गुरूर जो कि सिर चढ़कर बोल रहा है, यही कह सकते हैं हम, हार को पचा नहीं पा रहे हैं या हार कबूल नहीं करना चाहते? गुरूर है ये, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि हार को पचा नहीं पा रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से इनके राष्ट्रीय नेता भी, यदि आप देखेंगे, जब नोटबंदी की बात आई तो प्रधानमंत्री जी ये मानने को तैयार नहीं थे कि जो है इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ है, और आरबीआई तो कह रही है, और वो बाद में उनको स्वीकृति करनी पड़ी, लेकिन इस तरह से कि मैं बिल्कुल सही दिशा में चल रहा हूं, मानने को तैयार ही नहीं है, ना इनके बड़े नेता हैं ना ये मानने को तैयार हैं कि इनसे भी कोई गलती हो सकती है। और ये आप देखेंगे कि इसमें पूरे राष्ट्रीय कारण तो नहीं, नहीं गलती हो सकती है। उन्होंने चौराहे पे खड़े होने की भी बात कही थी कि मेरे को चौराहे पे खड़े होकर के जो सजा चाहे सुना देना, लेकिन अब कौन से चौराहे पे आएंगे ये तो नहीं बता सकते। फिलहाल हम जयपुर की बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि बढ़ती हुई महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जो सुविधाएं जिनकी इन लोगों ने जो है वादे किए थे शहर को देने के, प्रदेश को देने के, चिकित्सा सुविधाओं को देने के सारे जो वादे धरे रह गए उनमें कोई काम तक नहीं हुआ, सब जुमले बनकर ही ये प्रतीत हुए। इसके अलावा जो आपके राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय नेताओं की जो बातें हैं उनसे ये ऐसा प्रतीत होता है, इतना ज्यादा घमंड लोगों में आ गया है, नेताओं में आ गया है कि वो जनता को ना तो सुनना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं। आप ही के जो नेता हैं, आप ही के पार्टी के जो नेता हैं, कई नेता आपको आईना दिखा चुके हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है। उसके बावजूद भी आज व्यापारी परेशान है, आज आम आदमी परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, और बढ़ती महंगाई के कारण गृहणियां परेशान है, लेकिन इस सब पे कोई कार्य आप ना तो कर रहे हैं, ना आपका कोई प्लान है, ना आप मानने के लिए तैयार हैं। और आप कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम, ये कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो घटते जा रहे हैं इसलिए महंगाई कम हो रही है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन जनता ऐसा नहीं मान रही है। और आज इनको आईना दिखा रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन जो जनता ने आपको दिखाया जगह जगह पे, उस जो जनता की परेशानी है जनता मान रही होती तो वार्ड नंबर 76 बीजेपी के खाते में होता। विवेक जोशी साहब, आप लोग राजस्थान में जमीन तलाश रहे थे जी, जिस तरीके से हार हो रही है आप लोग मजबूत हो रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, हम मजबूत हो रहे हैं। अभी भाजपा की जो जुमलेबाजी है वो तो खत्म होती जा रही है, और वो क्यों हो रही है वो मैं बता दूं इनको, वो दो लाइनें हैं कि इन गुब्बारों को देखिए कि चंद सांसों में फूल जाते हैं, जरा से हवा में क्या उड़े अपनी जिम्मेदारी ही भूल जाते हैं। इस वजह से ये लोग जो हैं, इस वजह से ये लोग जो हैं, उन्होंने इनकी हार हुई है वार्ड 76 में, और कांग्रेस के जीतने का एकमात्र कारण है कि अभी जनता के पास ऑप्शन नहीं था वार्ड 76 में, इसलिए उन्हें कांग्रेस को वोट देना पड़ा। और आप, हमारी जमीन बिल्कुल धीरे धीरे पक्की होती जा रही है, 2018 के विधानसभा चुनावों में पूरे जोर शोर से हम लगे हुए हैं, पूरी तैयारियां चल रही हैं, हमारे राज्य प्रभारी जो हैं वो हर 15 दिन में राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, और नवंबर तक संगठन पूरा होगा, और विधानसभा के 2018 के चुनाव हम पूरे जोर से लड़ेंगे और जीतकर भी दिखाएंगे। मानचंद खंडेला जी, कहा जाता है कि बीजेपी शहरों की पार्टी, हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो ये एक भ्रम टूटता है, लेकिन वार्ड नंबर 76 की बात की जाए तो एक बार फिर भ्रम टूटता है कि आखिर बीजेपी हार कैसे गई। इसे क्यों ना हम लोकसभा उपचुनाव से जोड़ें, और क्यों ना हम आने वाले वक्त में राजस्थान विधानसभा चुनाव से भी जोड़ें? देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसकी जो मर्म है ना, गुजरात समझिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 39% वोटिंग वहां पर हुई। अब ये आप बताइए कि बीजेपी ने सब बूथों पर प्रबंध कर रखा है, और अमित शाह जी प्रबंध करवा के गए हैं, उस प्रबंध का क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अमित शाह जी जितनी कठोरता दिखाते हैं अनुशासन के नाम पर, वो मैं समझता हूं अब रिवोल्ट हो रही है, बल्कि मैं समझ रहा हूं कि रिवोल्ट कर रहे हैं लोग, यानी वो ये कह रहे हैं कि आप हमें को गुलाम की तरह तो नहीं कर सकते, हम कार्यकर्ता है कुछ सम्मान, आप एक बात में कह। दूसरी बात, अगर कांग्रेस वहां पे जीती है तो 39% वोट क्यों, ज्यादा होना चाहिए ना, वो भी नहीं हुआ। अब आप ये कह रहे हैं डायरेक्शन, मैंने पहले ही आपसे कह दिया, बिल्कुल असंतुष्ट है जनता, वोटर्स असंतुष्ट है, जो कुछ कहा गया वो नहीं हुआ उससे हतप्रभ है। अब मैं किसान की, मजदूर की, विद्यार्थी की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूं, जो कुछ आपने कहा उसका बिल्कुल उल्टा किया, बिल्कुल उल्टा। यानी आपने कहा 1.5 गुना पैसा देंगे किसानों को, सुप्रीम कोर्ट में जाकर आपने क्या कहा, ऐसा दिया तो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। आपने क्या कहा, हमने नोटबंदी करी है ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए, टेररिस्ट को खत्म करने के लिए,
और जो यहाँ पे उपद्रव फैलाते हैं देश में उनको खत्म करने के लिए वो मानचंद गंडेला जी भ्रम किसका टूट रहा है जी, आम जनता का टूट रहा है या बीजेपी का टूट रहा है? नहीं, बीजेपी का टूट तो रहा है लेकिन वो बताएंगे नहीं। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि वित्त मंत्री जो अपने आप बहुत बेहतरीन वित्त मंत्री मानते हैं वो परास्त हो गए तर्क में। उसके बाद जुमलेबाजी किसने करी? प्रधानमंत्री ने। और किस बात की करी? जिसको 99% लोग ये कहेंगे कि अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। और अब ये जो बात है, ये भ्रम किसका टूट रहा है? आप सामान्य कार्यकर्ता से या जो वुड बी एमएलए उनसे बात करके देखे बीजेपी के, वो कह रहे हैं ये हमको डुबो के रहेंगे, ये कह रहे हैं प्राइवेटली बात। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं एक जुमलेबाजी जो है वो लंबे समय तक नहीं चल सकती। अब आप देखिए धरातल की बात अगर आप करें, अमित शाह जी क्या करेंगे? वो केवल जो है अपनी तानाशाही दिखाएंगे। मोदी जी कहां कहां जाएंगे? और अब मोदी जी का प्रभाव उतना नहीं रहा है। वसुंधरा जी जो है वो उतनी प्रभावी नहीं रही है। क्यों? क्योंकि करप्शन के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, महिलाओं के सशक्तिकरण के मामले में, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, विद्यार्थियों को कुछ देने के मामले में, और शिक्षा जो है उच्च और जो सामान्य शिक्षा वो तो बंटाधार हो गई है पूरी तरह से। केवल आप पाठ्यक्रम बदल रहे हैं किस बात के लिए? कि वो हारा नहीं था इतिहास में, अब उसको हम जीता हुआ दिखाएंगे। और मैं कह रहा हूं ये जो बातें ना वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। और अंतिम बात मैं यहां पर संदर्भ में ये कहना चाह रहा हूं कि जो कार्यकर्ता है वो अब गुलामी का जीवन नहीं जिएगा बीजेपी में, ये बिल्कुल तय हो गया। इसलिए आने वाले समय में काम नहीं करेगा भाई जी। अगर ऐसी सारी चीजें हैं तो स्थिति भयानक है आने वाले दिनों में, जिसकी शुरुआत हो चुकी है वार्ड नंबर 76 से। अब पहले ये बताइए, मैं आपकी बात का जवाब दूं या खंडेला जी की बात का जवाब दूं, ये मुझे स्पष्ट बता दें। दोनों लोग का दे दीजिए, आप इत्मीनान से टाइम ले लीजिए, दोनों लोग के सवालों का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल मैं जिस तरह से ये अमित शाह पे निशाना लग गया, अब सुन लीजिए, अब मेरी सुन लीजिए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं पे तानाशाही हो रही है, या जिस तरह से मोदी जी जुमलेबाजी कर रहे हैं, अब आप सुन लीजिए। देखिए खंडेला जी, मैंने आपकी पूरी बात बिल्कुल शांति से सुनी है। तो देखिए, जहां तक कार्यकर्ताओं की बात है, जो उत्साह अमित शाह के यहाँ पर आने पर हुआ, आज उसका परिणाम देख लीजिए, आप देख लीजिए। आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, वोटिंग हुई खंडेला जी, मैं आपको मैं वही बात कह रही हूँ, आप जब पूरी बात का जवाब सुन लीजिए ना मेरी। तो देखिए, जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश हुआ है, वो पूरे कार्यकर्ता लगे हुए, मैं फिर वही बात पूरी मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं तर्क की बात कर रही हूँ। आज आप देख लीजिए, आप सिर्फ 176 वार्ड पर ही क्यों रुके हुए हैं? आप 76 वार्ड से ही कोई विधानसभा का चुनाव का निर्णय नहीं होने वाला है, या लोकसभा का निर्णय नहीं होने वाला है? उनको भी तो देखिए ना, आप 3 सीटों पर जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, कांग्रेस का सिर्फ यहाँ पर है, तो ये तो उनके नहीं, आप देखिए ना, ये तो इनके पास जीत रही है 40%। शिंदा भाई जी मैंने आपकी बात, ये ऐसा देश है जहाँ इंदिरा गांधी का भी भ्रम टूट गया था, ये ऐसा देश है जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी का भी भ्रम टूट गया था, ऐसा ना कहिए। हमने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल कोई भ्रम नहीं है, हम धरातल पर हैं, धरातल की बात करते हैं, हमारे कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं और हमारा सबका साथ सबका विकास, उसमें किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, महिला हो, सब हो, सबका विशेष ध्यान रखते हैं हम लोग। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन जो इस वक्त चल रही है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, शिंदा भाई जी, शिंदा भाई जी लोग नाराज क्यों हैं? एक नंबर पे 4% लोग नाराज क्यों हैं? लोग नाराज हैं, आप मुझे बताइए, बीजेपी से लोग नाराज क्यों हैं? देखिए, ये जनता में ये कौन से लोग नाराज हैं आप ये बताइए, अभी चुनाव आएंगे। वार्ड नंबर 76 के राहुल जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, आप कहेंगे वो कांग्रेसी हैं, राहुल जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी यार जनता से कट चुकी है, इनके नेता जनता से कट चुके हैं, कहेंगी कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है।
बिल्कुल है, इसमें कौन सी दोष तो फिर हार क्यों गए? वो फर्जी मिस कॉल, फर्जी मिस कॉल दिलवा के इन्होंने हार जीत होती रहती है। अगर ऐसा है कि हम 200 के 200 नहीं जीत सकते, 540 हम सीट नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से 18 राज्यों में बीजेपी जीती है वो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि जनता को बीजेपी में विश्वास है। 18 राज्यों में बीजेपी जीती है। अभी जो आएगा इनको हताशा है, कांग्रेस सिर्फ इस पे अगर ये इस बात को सोचती है, पार्टी वालों को बता रहे हैं, 36 वार्ड 76 में जीतने से हम राजस्थान जीत लेंगे। सिन्हा जी को तो मुंगेरी लाल के सपने, मुंगेरी लाल के सपने ये सब सामने आ जाएंगे। जो विरोध बोलेगा वो हताशा है, ये क्या बात कर रहे हैं मेरी? इसका मतलब तो लॉ एंड ऑर्डर से परेशान होकर के जो जनता भी हमारे साथ चला रही है, वो जनता भी हताश है। आप तो मान नहीं चाहते क्योंकि आप जिंदा नहीं थी, आपका जनता के साथ कोई जुड़ाव नहीं रहा, जनता से कोई फीडबैक नहीं आई। बस शिंदा भाई जी, आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है लोकसभा का, हम कैसे मान ले कि बीजेपी का ही उम्मीदवार जीतेगा? देखो तैयार है पूरी तरह से, कैसे मान ले? अब ये तो समय बताएगा, आप देखिए समय तो ये भी बता दिया कि 76 आप लोग हार गए, अपने अचीवमेंट बता दीजिए, दो चार काम पर विश्वास है, आपने जो काम करा है वो बता दीजिए, ऊंचाई पे ले गए, किस तरह से ले गए वो बता दीजिए, नहीं जीत पाई आपकी पार्टी फिर भी नहीं जीत पाई। देखो हमें नहीं, मैं कहा देखिए 100 में से 100 को एक, आप इस बात को इतना बड़ा इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना हार गए तो कोई कौन सा हम स्वीकार कर रहे हैं ना, हम कब कह रहे हैं 10% जनता का जो भी मत होगा हमें सहर्स हम स्वीकार करते हैं, स्वीकार करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है, वो परिणाम ये कौन से स्वीकार कर रहे हैं? ये कौन से 3 सीटों को ये क्यों हारे, 5 की 5 क्यों नहीं जीत लिए इन्होंने? अगर ऐसा था इनका जनाधार इतना बढ़ गया है, इतनी यात्राएं निकाल रहे हैं तो वो सीट भी जीत लेते। वो जनाधार आपको दिखा रहे हैं, आपको परेशानी यही है शिंदा भाई जी, बीजेपी का विकास हो रहा है, जनता एक चीज ये बता दी, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, बीजेपी का विकास हो रहा है, देश का विकास नहीं हो रहा है, कुछ राज्य ऐसे हैं, सुनिए सब ध्यान से सुनिए, मानचंद खंडेला जी, मानचंद खंडेला जी, विवेक जोशी साहब जरा शांत हो जाइए, कुछ बेल्ट ऐसे, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां शहर की सरकार, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद बीजेपी के हवाले होती, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो। सवाल यह है कि ये शहर की सरकार में बीजेपी कैसे फेल हो रही है? शिंदा भाई जी, मेरे से पूछा है, हाँ आप ही से, देखिए कहाँ फेल हो रही है, आप देख लीजिए जितने भी इलेक्शन हुए, आप पंजाब की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, शहर की सरकार की बात कर रहे हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका की बात कर रहे हैं, गुजरात में भी आवाज सर लोकल वार्डों की बात हो रही है, मैं भी बात कर रही हूं, मेयर राजस्थान की बात हो रही है, आ रहे हैं, भूल गए सर, हां मैं बिल्कुल वही यही बता रही हूं मैं आपको, अहमदाबाद में देख लीजिए आप, गुजरात में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, जितने बड़े बड़े राज्य है सब में हार गई तो फिर वही बात, आप एक बार तो दिन पहले गुड़गांव में जो चुनाव हुए 3 महीने 4 महीने हमने तो बहुत तीर मार रहे हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी तो तीर मार रहे हैं ना, देखिए 5 में से 3 में मार लिया, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मैं आपको ये बताता हूँ, हम तो हार कर, हमें तो ये मान के चल रहे हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हार कर भी सबक ना लिया जाए और कहा जाए कि इसमें क्या हार तो होना ही था, हार को हम स्वीकार करते हैं, अगर सबक ना लिया जाए तो फिर हमें नहीं लगता कि आने वाले दिनों में फिर एक हार इनके हाथ लगनी तय है। देखिए निश्चित रूप से राहुल जी ये बात बिल्कुल सही है, जो कॉम्प्लेसेंस है, जो घमंड की बिहेवियर होता है, बीच में ना बोलिया, नहीं तो बीच में ना बोलिया, मैं आपको बताता हूँ, हमने
हम जब हारे हमने सबक लिया, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे उच्च बड़े से बड़े नेता, चाहे राष्ट्रीय नेता हो चाहे प्रदेश के नेता सचिन पायलट हो, लगातार सड़कों पर हैं। हमारे शहर के नेता भी सड़कों पर हैं और हम जो भी जनता की समस्याएं हैं उनको लेकर के संघर्ष रहते हैं। हमने हार को स्वीकार किया, हमने माना, हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने यह माना कहां हमारी गलतियां हुई और उसको स्वीकार किया, बिल्कुल जनता के बीच में खड़े होकर के ये माना कि कॉम्प्लेसेंस थी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आ गई थी जिस कारण से हम हारे, और हमने ये मान करके हमारे अंदर जो है आत्मावलोकन किया और हम अपने आप को बदल करके संघर्षरत हुए हैं और लगातार कर रहे हैं। आपका जो ये कहना कि जनता को बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार से सारी जनता राजी है, सरकार की नीतियों से राजी है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जनता को कोई अब कठिनाई नहीं रही है, ये इनका कहना ये बताता है कि आज बीजेपी जनता से कट चुकी है और जनता से ना तो इनके पास कोई फीडबैक है, ना इनके नेताओं के पास फीडबैक है, या शायद इनके जो कार्यकर्ता या जो इनके पदाधिकारी हैं नेताओं को फीडबैक देने की स्थिति में नहीं है। ये भी तो जाके कहो और हमारी सरकार आई तो हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ये भी तो जनता को वायदा करो ना। आप तो कर दीजिए, आप बता दें राजमहल के ताले क्यों खोले, ये पैलेसिया वाला मामला क्यों हुआ, किस तरह से आपने अपना निर्णय बदला, क्यों हुआ, क्यों आपके जो ये जो बिल्डिंग है सील कर देते हैं, ये सील होने के बाद बन जाती है, बता तो दीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं बताएंगे क्योंकि ये आप तो ये इनका कहना ये है कि जो भी कमियां हैं ये चुनाव जीते चाहे हारे, इनकी सरकार भले कर ना कर पाए लेकिन सारी कमियां जो है पिछली कांग्रेस सरकारों की है। अरे आप अपना बताइए ना कि आपने अभी कौन सा वो नहीं बताए अचीवमेंट से आपके जीत गई होती केंद्रीय सरकार के बता दीजिए, आप राज्य सरकार के बता दीजिए, आपने क्या किया जनता के लिए, क्या किया कांग्रेस की ये परंपरागत सीट है। विवेक जोशी साहब योजनाएं बताइए, विवेक जोशी साहब आते हैं खंडेला साहब आपके पास अवार्ड देने वाला कौन, ये बीजेपी के नेता बताना क्या चाहते हैं, क्षेत्र में मिला है, हार को पचा भी नहीं पा रहे हैं और हार को निकाल भी नहीं पा रहे हैं, सांप और छछुंदर वाली कहानी हो गई है। देखिए सर, देखिए मैडम जो कह रही हैं कि बीजेपी जो है सबका साथ सबका विकास करती हुई चल रही है, मुझे लग रहा है कि जिन्होंने दिया साथ उन्हीं का कर दिया सत्यानाश, इस पैथी पर वो चल रही है और हारने के बाद भी वो हार को पचा नहीं पा रही है, अभी भी घमंड में ये चूर हैं ये लोग, और आने वाले विधानसभा चुनावों में अभी दो उपचुनाव और आ रहे हैं नजदीक, दो तीन उपचुनाव और नजदीक आ रहे हैं, वो उनमें इनको पता चल जाएगा अच्छी तरह से, 2018 के विधानसभा चुनावों में इनको अच्छी तरह पता चल जाएगा। मैडम गुजरात का उदाहरण दे रही है कभी महाराष्ट्र का दे रही है, अभी 43 सीटों पर गुड़गांव में हुआ जो नगर निगम चुनाव उनमें 21 निर्दलीय जीते, दो तीन चार इनके बीजेपी के विधायक वो नगर निगम में प्रत्याशी जीते हैं, तो कहां इनका विकास हो रहा है, ये बीजेपी का विकास हो रहा है, इनसे जनता का मोह भंग होता जा रहा है। जब आप जुमलेबाजी पे हवाबाजी पे केवल इस तरह की झूठी राजनीति करेंगे, जनता के लिए काम नहीं करेंगे, ये कहते हैं किसानों का हमने विकास किया, छात्रों के लिए हमने विकास किया, किसानों को कौन सा आपने कर्ज माफ कर दिया, कौन सी किसानों की डेढ़ गुनी फसल की लागत आपने दे दी, छात्रों को बेरोजगार कर दिया, जाकर कितने लोग बेरोजगार हैं, सारी नौकरियां खत्म कर दी, सरकारी स्कूल को प्राइवेट करने जा रहे हैं, 300 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने जा रहे हैं, कौन से विकास की बात करते हैं, सड़क पर हर कदम पर गड्ढे हैं, गली गली में कचरा पड़ा हुआ है, नालियां जाम है और विकास की बात कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि वार्ड 76 में इनकी करारी हार हुई है, बुरी तरह से हार हुई है और उस पर भी ये हार स्वीकार ढंग से नहीं कर रहे हैं। अभी मानचंद खंडेला जी, राजनीति में ये कहा जाता है जब उपचुनाव की बात आती है, ठीक है उपचुनाव की बात आती है तो ये कहा जाता है कि जो सत्ता में है जहां भी उपचुनाव है जीत उनकी होती है, ये आप मानते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा का उपचुनाव हो, चाहे ये वार्ड का उपचुनाव हो, ये कहा जाता है कि जो सत्ता पे बैठा होता है उसी की जीत होती है और ये सत्य है, अधिकतर केसेस में देखे 99% ये सही पाया जाता है, इतिहास इस बात का गवाह है। और अब आप देखिए जरा इस बात को गौर से सुनिए, उसके बावजूद 5 में से 2 सीटें कांग्रेस जीती, इसका मतलब 40% सीटों पर वो विजयी हुई है, वो तो पहले से सीट थी उसकी, पहले दोनों सीट थी, मालपुरा की सीट भी इनकी थी और ये भी सीट थी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं
कि जो कांग्रेस खोया कहा है, हमारे तीनों सीट बीजेपी की थी, हमने ले लिया, हमने काम खोया। आप सुन लेंगे तो आपको बहुत सही लगेगा। पाया क्या है और आप जीता कहा? ये जीत सब हटा दीजिए ना अपनी डिक्शनरी से। देखिए सबका साथ सबका विकास, ये पता नहीं क्यों नहीं कह पा रहे हैं। आज के समाचार पत्रों में यह है कि मुकेश अंबानी का एक साल में 125 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बढ़ गई, उससे पर कैपिटा इनकम भारत की 1000 रुपए हो गई, बढ़ गई। अब ये सबका साथ सबका विकास, अब अंदाजा कर। एक बात जहां अभी कहा गुड़गांव में जो है 31 लोग निर्दलीय जीते, यानी अगर विकल्प मिला तो बीजेपी का बिल्कुल पार्टी का साफ हो जाना है। खुश होना चाहिए आम आदमी पार्टी को। फिर मैं कांग्रेस के बारे में कहना चाह रहा हूं, आप लोग देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, अभी भी जन जो नेता है उसको आगे नहीं किया जा रहा है। हाई कमांड बिना मतलब अपना हस्तक्षेप करना चाह रही है, कार्यकर्ता बटे हुए हैं और जो बुढ़वी, अरे मैं बीजेपी की नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस कह रहा हूं, आपको ताली बजाओ। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसकी लड़ाई यहां पर है। कैसे बनेगा मुख्यमंत्री कोई नहीं सोच रहा। जहां तक कांग्रेस पार्टी के पास से पार्टी चलाने का सवाल है, मैं मुझे मालूम है कि फाइनेंस की बड़ी प्रॉब्लम है। अगर जो पार्टी फाइनेंस की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही है वो आगे कुछ नहीं कर सकती। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जहां पर सेवादल की बात है, युवा कांग्रेस की बात है, महिला कांग्रेस की बात है, जो कि वास्तव में स्तंभ हुआ करते हैं, जहां तक चुनाव की राजनीति की बात है वो आगे जाके खड़े होते हैं, वो बिल्कुल निर्बल कहते हैं या निष्क्रिय कहते हैं, ये वो हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा? यानी वो अजमेर में चुनाव है, अजमेर में कॉन्स्टिट्यूएंसी है सचिन पायलट की, और कोटा में क्या लेने जा रहे हैं वो, क्योंकि कोटा में भीड़, सुनिए, कोटा में भीड़ इकट्ठी करने का प्रबंध है, इसलिए 3-4-5 हजार लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। लेकिन होना क्या चाहिए था, 1 लाख की सभा होती लास्ट में, और वहां जाकर सचिन पायलट 10-20 जो है ना अपने राजस्थान के और 1-2-3-4 जो है ना केंद्र के वहां पे नेता आते, तब तो माहौल बनता। लेकिन माहौल भी बनता सभा थी और बहुत जबरदस्त सभा हुई, बहुत जबरदस्त किसान न्याय यात्रा का लगातार चल रही है कांग्रेस। ठीक है, चलिए आप औपचारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। लेकिन हार छोटी हो या बड़ी, हार को स्वीकार करना जायज बात है, लेकिन हार पर ही सवाल उठा देना कहां से जायज लगता है। बीजेपी वार्ड 76 जयपुर में हारी है तो हार को स्वीकार करना है। हालांकि आने वाले दिनों में लोकसभा का उपचुनाव है, फिर इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतेगा राजस्थान विधानसभा का चुनाव होना है। सवाल यह है कि एक हार, क्या इस हार से बीजेपी सबक लेगी या फिर यही रट लगाए रखेगी। ये तो कांग्रेस की परंपरागत सीट है, अगर कांग्रेस की परंपरागत सीट थी तो फिर बीजेपी वहां चुनाव लड़ने क्यों गई, ये खुद आकलन करे बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता कि हुआ क्या है बीजेपी पार्टी के साथ। इसी के साथ दीजिए इजाजत।